पॉजिटिव वाइब्स मिले। उन्होंने मुझे, मैंने उनको बोला मुझे सिर्फ 15 से 20 दिन है यहाँ पे, मतलब मैं वापस चली जाऊंगी। मैम ने मुझे एक ही चीज बोली, देखो आपके पास 15 दिन है, हम पूरी कोशिश लगाएंगे 15 दिन में उसको पूरा चेंज करने में, बट हमारे से भी ज्यादा आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी सब कुछ चेंज होगा। हमारे अकेले से कुछ चेंज नहीं होगा, हम जैसा बताएंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। वो दिन मैंने वो दिशा मैम की सब बातें फॉलो की। उन्होंने मुझे बोला मतलब फर्स्ट डे से ही मैंने उसका स्विमिंग लगा दिया। उन्होंने मुझे बोला गार्डन में आपको 1 घंटा खिलाना है, मैंने खिलाया। उन्होंने बोला आपके बच्चों को 1 घंटा आपको मतलब सर पे पढ़ाना है, मैंने पढ़ाया। मतलब जो भी उन्होंने मुझे बोला मैंने पूरा वो किया, और मेरे 15 डेज में मेरे बच्चे में बहुत चेंज आए। मेरे हस्बैंड उससे देखे यहाँ पे आके, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अपन और 6 महीने इधर रहेंगे। उसमें वो काफी मतलब बोलता ही नहीं था, तो वो बोलने लग गया, 15 दिन में बोलने लग गया था, इतना चेंज आ गया था उसमें। मेरे हस्बैंड ने मेरे को 6 महीने और परमिशन दी रहने के लिए, और वो 6 महीने मेरे आज 2 साल में कन्वर्ट हो गए, और आज मेरा बेटा इतना अच्छा हो गया है, मतलब काफी वर्ड्स बोल लेता है, उसके नीड रिलेटेड जो भी उसको चीज चाहिए वो सारी बोल लेता है, साइकिल अच्छे से चला लेता है, स्विमिंग अच्छे से कर लेता है। दिशा मैम ने एक बार इसको मौका भी दिया था स्विमिंग कॉम्पिटिशन में, उसमें वो 2nd आया, उसको सिल्वर मेडल मिला। दिशा मैम की वजह से मतलब मुझे ऐसा है कि थेरेपिस्ट जो बोलते हैं हमें वो करना ही चाहिए। मैंने बहुत सारे मॉम्स ऐसे देखे, मैं कोई मॉम्स के लिए ऐसा नहीं बोलूंगी, बट मैंने मॉम्स देखे हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे बच्चा नहीं कर सकता, आज ठंडी बहुत है, गर्मी बहुत है, मतलब बहुत सारी चीजें रिजर्व रहते हैं। मतलब मेरे बेटे को जब मैंने स्विमिंग में डाला था तब जनवरी का टाइम था, मैं ये जब स्विमिंग कर रहा था तो 8 दिन तक ये पूरा कांपते हुए घर तक जाता था। तो मैंने दिशा मैम को पूछा भी था कि मैम ऐसे मैं करूँ क्या, ये बहुत काँप रहा है, इसको कुछ हो जाएगा? तो मैम बोले आपको कुछ नहीं होगा, आपके बेटे को आप देखो वो थोड़े दिन में ही स्टेबल हो जाएगा। और वही ही चीज हुई, मैंने उनकी सारी बातें सुनी, और आज भी छोटी से छोटी चीज होती है, जैसे स्कूल रिलेटेड हो, उसके डॉक्टर रिलेटेड हो, उसके खाने की भी चीजें हो, मैं दिशा मैम से पूछे बिगैर कभी नहीं करती। और मेरे लिए तो दिशा मैम ही सब कुछ, मेरे हस्बैंड को और दिशा मैम तो मेरे हस्बैंड को और मेरे को दिशा मैम पे पूरा ट्रस्ट है, इसलिए मैं उनके सिवाय कभी कुछ काम नहीं करती। अगर मुझे कभी स्कूल में एडमिशन भी लेना था, मैंने अभी उनको रिसेंटली पूछा था।